प्रथम थर पर ओडिया न्यूज चैनल को साक्षात्कार देले नीट टॉपर सोएब अफताफ कहले टॉपर हेबा पई आवश्यक नुहे कोचिंग लॉकडाउन समय रे घर को न आसी एक लयर पढ़ुते पाठ अध्यापकों अचलाचल संपत्ति देखी खुशी होगा विजिलेंस अधिकारी आखि चढ़ाव बेले ठाब है 2,83,00,000 अधिक टंकार संपत्ति मिला 51 प्लॉटर संधान 6 स्थान में चढ़ाव कर ब्रह्मपुर विजिलेंस बैजयंतों पाकिस्तान ट्वीट को नहीं रास्तार जलिला प्रतिवाद न्यास गरम है राजनीति बीजेडी कहला दलू चलीगला केमी खराब होगा ओडिशार शासन प्रदीप माझी कहे क्षमा मागं बैजयंत बीजेपी कहला अर्थ को करदर्थ सामना को आसला संवेदनशील घटना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हजि तीन वर्ष एडमिशन नहीं पाना स्मिताली सरकारी बाबू कहते दे हेब ना डुप्लिकेट सर्टिफिकेट कांदी कांदी झील पचारमी पढ़ी पाठ गोटे अटो 29 जाती नवरंगपुर चंदाहांडी घाटी में भारसाम्य हर ओलटिला अटो दुई महिला मृत दस सामान्य आहत एम छह शिशु दशाह कार्य में जोगदेक जावाबे दुर्घटना घरे स्कूल फी वृद्धि मामलों में शुणा कले हाइकोर्ट प्रश्न कले सरकार नियंत्रण में अच्छी कि बेसरकारी स्कूल 7 दिन भितर जनवाक निर्देश आसंता सप्ताह परवर्त शुणा बालेश्वर उपनिर्वाचन पूर्व एकतारा बार्ता देला बीजेडी एकाठी सांबादिक सम्मेलन में नजर आसे जिला बीजेडी सभापति प्रभारी पूर्वतन विधायक कहे दल एकजुट से तीर्तोल जमिला सोशल मीडिया रे प्रचार प्रथम थर पर ओडिया न्यूज चैनल को साक्षात्कार देखते नीट टॉपर सोएब अफताब कनक न्यूज को प्रतिक्रिया कहते सफलता पाइबा कोचिंग नेबा निहाती जरूरी नुहे सेहीपरि आगकु से हृदरोग विशेषज्ञ हेबाकु लक्ष्य रखिछन्ति कहिछन्ति कोविड काल रे हृदरोग विशेषज्ञ को आवश्यकता कु से अनुभव करछन्ति लॉकडाउन समय रे अन्य छात्र माने कोटारु घर को चली आसीबा बेले लक्ष्य हासिल पाई से कोटारे रही पढ़िथिबा कहिछन्ति सोए आपण भारतर नीट टॉपर होइछन्ति एवं प्रथम ओडिया जी की नीट टॉपर ओडिया भावे केते गर्वित अनुभव मु बहुत गर्वित अनुभव ओडिशा रो जे पिला माने तांको भितरे बहुत पोटेंशियल अछि मोर एटा पर्सनल बिलीव आउ एकी सब मानंकु प्रॉपर गाइडेंस दरकार प्रॉपर गाइडेंस पाई मु ए फर्स्ट रैंक को डॉक्टर हेबारो लक्ष्य बा स्वप्न आपण को मन रे केबे ठरु होइतिला मु क्लास 9th रे भाविला जे मु डॉक्टर हेबी आ से पॉइंट रे श्योर से पॉइंट रे आई वाज नॉट श्योर वेदर आई कुड बी एबल टू अफोर्ड कोचिंग इन पोटर्नो किंतु 10th क्लास रो परे मो बापा सपोर्ट करिले मते कोटारु कोचिंग जाइबा पई आउ मु करि पाइली सोएब एबे आपनकर लक्ष्य कोन कोठी पाठ पढिबे आउ भविष्यत रे कोन स्पेशलाइजेशन नै कि कोन हबाकु त लक्ष्य रखछन्ति आपन मु एबे कार्डियोलॉजिस्ट हेबाकु चाहू छी आउ लॉकडाउन रे भी मु एबा मींस आई थॉट अबाउट दिस इन लॉकडाउन आउ रिसर्च रे मोर इंटरेस्ट अछि एम्स दिल्ली कॉलेज रे मु जीवी आ एम्स दिल्ली रे जो रिसर्च प्रोग्राम्स हेउछि तारो मु गोटी पार्ट हेबाकु चाहू आपण भलो भाबे अवगत एवं जो भली भाबे कोरोना बाबा कोविड 19 सिचुएशन रहिछि एई सिचुएशन को एई सिचुएशन को मुकाबला करूछन्ती डॉक्टर माने मुकाबला करूछन्ती कोविड वारियर होई से आपण भी जणे भविष्य रे कोविड वारियर हेबाकु चाहूछन्ती तबे ए कोरोना पई आपनकर कोन मनर रही छि केमिति या केते दिन रहिबो एवं तेन से ने कोरोना नै आपनकर कोन रहिबो मतमत बा कोविड 19 रे आपन कोन करिबे को चाहिबे हमरो कोविड 19 रो मतमत जे इंडिया रो जे रिस्पोंस अछि कोविड रो सेटा बहुत ही बढ़िया आ बहुत ही भलो आमे डेवलप कंट्रीज को भी बीट करू छि आइकि हम जे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जे डॉक्टर अछि अंको बेस्ट एजुकेशन आउ इंडिया रो जे बेस्ट टैलेंट को यह देखाउछि
एंड मु भविष्य पर भी कोविड 19 जे वारियर्स रो मु गोटे पार्ट हेबाकु चाहूछि आउ कोविड रिसर्च रे जदि मु ट्राई करबी जदि मु पार्ट हेई पारे तांको रिसर्च रो तो मु ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू डू दैट। ओडिसा रे अनेक छात्र छात्री डाक्टर हबार आशा रखुछन्ति सेमाने नीट पे प्रिपेयर होउछन्ति अनेक छात्र छात्री कोटा को जाउछन्ति बा अन्य स्थान मान को जाउछन्ति एवं कोचिंग नउछन्ति एवं प्रिपेरेशन होउछन्ति सेमानको पई स्वेप को बा नीट टॉपर जहाँ कि भारतर नीट टॉपर स्वेप क्र कोन मेसेज रहइबो मोर एटा सजेशन अछि जे कोचिंग इम्पोर्टेंट अछि किंतु एग्जैक्टली नेसेसरी नहि अपन बिना कोचिंग रे भी भलो करि पारिबे मोर कोचिंग रिक्वायरमेंट थिला काहे कि मोर फैमिली रे कोनोसी डॉक्टर न थिला आउ कोचिंग एब्सोल्युटली नेसेसरी नहि बिना कोचिंग रे भी सिलेक्शन हे पारे बिना कोचिंग रे भी भलो रैंक आसी पारे। ओटीवी सांबादिक को पुलिस उठाए नेबार शैली को ले निजर संतोष प्रकाश करबा को जाई पाकिस्तान सह तुलना करबा बैजंत को महंगा पड़ी। भुवनेश्वर संबलपुर और झारसुगुड़ा में बैजयंतों विरोध में प्रतिभा देखा मिली एपरिक भुवनेश्वर युव अभियान ओडिशा पक्षर थाना एतला दी अनेपटे कांग्रेस नेता प्रदीप माझी बैजयंत क्षमा मागंतु बोली दावी करछन्ति। बीजेडी प्रश्न करछि बैजयंत बीजेडी रे थिला जे राज्यर शासन और प्रशासन ठीक थिला बीजेपी को गला परे ओडिशा अशांति केमिति हेला सेपटे बैजयंत को सुरक्षा देवा को जाई बीजेपी ट्विटर रो अर्थ को कदर्थ कर बैजयंत पंडा ट्विट अर्थ और भावार्थ को नहीं हुए तो दुईमत थे किंतु लोक जहां बुझी स्पष्ट ताइन भुवनेश्वर आरंभ कर संबलपुर और झारसुगुड़ा जाए यह प्रतिवाद होता किपरि प्रतिवाद विक्षोभ और कुश पुतलिका दाह भितर गोटे कथा हुए तो स्पष्ट जे बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जहां ट्विट रे लिखिछन्ति एवं ताकु ने जे सफाई रखिछन्ति ताकु लोके सहजरे ग्रहण करि पार नहंती। झारसुगुड़ा और संबलपुर रे लोके कुश पुतलिका दाह करथिबा बेले भुवनेश्वर युव अभियान ओडिशा पक्षरु थाना रे एतला दिया जायछि ए राज्य को ए अंचल को ए देश को जदि पाकिस्तान हमर शत्रु राष्ट्र पाकिस्तान सहित तुलना करे ताहाले या देशद्रोह छड़ा अन्य किछि होइ पारे ना तेणु याकु आमे ओडिशावासी कौनसी हालत रे एट एनी कॉस्ट आमे तक बर्दाश्त करिपारिबु नै ओडिशा पुलिस विरुद्ध रे दृढ़ एवं दृष्टांतमूलक कार्यनुष्ठान ग्रहण करू गिरफ करू देशद्रोह मामला रुजु करू। एटा गोटे 4 कोटी ओडियार गोटे अपमान है जे आमे से ओडिशा रे रहौछो ना तांकर ओडिशा के से पाकिस्तान संगे तुलना करबा एटा बहुत बड़ निंदनीय घटना है आमे दाबी करूछु जे तांकर भाषा के से रिटर्न नउन आ सेटा के माफी मांगन 4 कोटी ओडिया सामने रे पुनि थरे माफी मांगो कथा से हम ओडिशा को कंपेयर करी पाकिस्तान सहित मु गोटे क्वेश्चन करी कि आपण कौ अधिकार ओडिशावासी को पाकिस्तान को कंपेयर कले आप किए अधिकार देला कि ओडिशावासी को पाकिस्तान सहित कंपेयर करने आपण यथाशीघ्र आप क्षमा प्रार्थना करूँ। बैजयंत पंडा ट्विट को नहीं साधारण में जो प्रतिक्रिया प्रकाश पाई राजनैतिक माहौल को आहरी सरगरम कर 4.5 कोटी ओडियां आगे बैजयंत क्षमा प्रार्थना करतु बोली दावी करछन्ति कांग्रेस नेता प्रदीप माझी। एपटे बीजेडी प्रश्न करछि बैजयंत बीजेडी रे थिला जाए राज्यर शासन और प्रशासन ठीक थिला ओडिशा शांतिप्रिय थिला बीजेपी को जीवा परठारु ओडिशा केमिति अशांति लागिला आ बीजेडी और कांग्रेस आक्रमण भितर बैजयंत को सुरक्षा देबा पई बाहरी आसिछन्ति राज्य बीजेपी साधारण संपादक पृथ्वीराज हरिचंदन। पाकिस्तान रो ना को बारंबार व्यवहार कहीं भारतीय जनता पार्टी नेता माने करदी कंपेयर करार उत्तर प्रदेश को कंपेयर कर पारे आसाम को कर बिहार को एवं सर्व पृथ्वी रे टेरर फंडिंग को नहीं से बदनाम से भाया गोटे देश को ओडिशा सहित कंपेयर करवा पवित्र स्थान कंपेयर करवा आम तीव्र निंदा करते दिन बीजेडी सांसद थे से पर्यंत ओडिशा शांत था जो दिन बीजेपी की गले से दिन ओडिशा तक पाकिस्तान भाया लगुच आगुरी भल लगुला आगु से शांत ओडिशा प्रशासन शांत था ओडिशा भल लगुला यही सब ओडिशा प्रशासन भी भल लगुला एवं जो वर्षा जाइंस बीजेपी
ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଅପମାନଜନକ ଅପମାନ ସୂଚକ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇକି ଜବରଦସ୍ତ ଗୋଷାଡ଼ି ଭିଡ଼ିକି ରାଜ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିକି ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ଅବାନ୍ତର କଥା। ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ତତଃ ସାମାନ୍ୟ ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କରିବାଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ ହେବ। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ଆଉଥରେ ଦୁଇଥର ତିନିଥର ପାଞ୍ଚଥର ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି ଅପମାନ ସୂଚକ କଥା ଅଛି ତେବେ ସେମାନେ ରିଆକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ ନେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଯାଇ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଥିଲେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଉଠାଇ ନେବା, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଓ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ଜେରା କରିବା ଲଜ୍ଜାଜନକ। ତା ପୁଣି ପୋଲିସ ଆଇନର ବିନା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କରୁଛି, ଠିକ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଫାଶୀବାଦ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଉଠିଥିଲା, ଇଂରାଜୀ ଟ୍ୱିଟ୍ର ଓଡ଼ିଆରେ ସଫେଇ ରଖିଥିଲେ ବୈଜୟନ୍ତ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ବୋଲି ମୁଁ କହିନଥିଲି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୋଲିସ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅବମାନନା କରି ପାକିସ୍ତାନ ପୋଲିସ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରମ ମହାପାତ୍ର ଓ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପରିଡ଼ା, ଦେବାଶିଷ ସାସମଲ, ମୌସୁମୀ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କାନୁନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଟିଭି ବିରୋଧରେ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ୍ ଆଣିବାକୁ କେନ୍ଦୁଝର ସାଂସଦଙ୍କ ଦାବି। ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରି ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ସାଂସଦ। ଏ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଓଟିଭି ସାମ୍ବାଦିକ ରମେଶ ରଥଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରି ଜେରା କରିଛି। ଅକ୍ଟୋବର 15 ପରଠାରୁ ଓଟିଭିରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଖବର ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସାମ୍ବାଦିକ ରମେଶ ରଥ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଓଟିଭି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଖବର ପରିବେଷଣ କରି ତାଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆଞ୍ଚ ଆଣିଛି। ଓଟିଭି ଏହାର ସାମ୍ବାଦିକ ରମେଶ ରଥଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଅନେକ ମିଛ ଖବର ପରିବେଷଣ କରୁଥିବାରୁ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କଠାରୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ମାଗିଛନ୍ତି। ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଖବର ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ଓଟିଭି ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ସାଂସଦ ତଥା ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଭାବେ ସଂସଦରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମୁର୍ମୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଓଟିଭି ବିରୋଧରେ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ୍ ଆଣିବାକୁ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କଠାରୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୀନକେତନ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ଗନ୍ତା ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏହି ସମୟରେ ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସେଥିରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ର ଆଖି ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ନାଗେଶ୍ୱରଙ୍କର 2,83,36,805 ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ନଗରରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ 2 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଘର, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 1,82,85,304 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବେତଗୁଡ଼ାରେ 3,90,364 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଗୋଟିଏ 2 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଦୋକାନ ଘର, 23,11,368 ଟଙ୍କାର 51ଟି ପ୍ଲଟ, ଗୋଟିଏ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଏକ୍ସେଲ 6 ସ୍ମାର୍ଟ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଆଲଫା କାର୍, ଗୋଟିଏ ହିରୋ ହୋଣ୍ଡା ମୋଟରସାଇକେଲ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 15,39,163 ଟଙ୍କା ଜମା, 9,47,000 ଟଙ୍କାର ସୁନା ଓ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଓ ନଗଦ 31,00,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହିସବୁ ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଜ୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ବାସଭବନ, ପୈତୃକ ଘର, ଅଫିସ୍ ସମେତ 6 ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ। ସ୍କୁଲ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହଜିଯାଇଥିବାରୁ 3 ବର୍ଷ ଆଡମିସନ୍ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ମିତାଲି। ସେପଟେ ସରକାରୀ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ସ୍ମିତାଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ କେମିତି ପଢ଼ିବି ପାଠ। ସାର୍, ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କଣ୍ଡକ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହଜିଗଲା ବୋଲି ମୋ ଜୀବନ କ'ଣ ଏମିତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ? ମୁଁ କ'ଣ ଆଗକୁ କେବେ ବି ପଢ଼ିପାରିବିନି ନା ଆଗକୁ କିଛି ବି କରିପାରିବିନି? ଆମେ ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଭଳି ନାରା ଜୋର ଜୋରରେ ଦେଉ। ଝିଅ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବ ତାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତିଆରି କରୁ, ଏବଂ ସରକାରମାନେ ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳି ଅସହାୟ ଝିଅଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ। ସାର୍, ସ୍କୁଲରେ କେବଳ ମୋତେ ଜେରକ୍ସ ହିଁ ଧରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଓରିଜିନାଲ ମାନେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିବାକୁ ମାନେ ଟୋଟାଲି ଦେଉନାହାନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଟୋଟାଲି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଜେରକ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଜେରକ୍ସ ଦେଇକି ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି।
कॉलेजरे तो एडमिशन करने को मना कर सीधा सीधा मैडम मना कर दूसरी कौन कि डुप्लिकेट इश्यू आने हम तो जेरॉक्स टोटाली हो पार ना। 2017 मैट्रिक पास करिबा परे स्मिताली प्रधान आउ युक्त दुई धंदामूलक शिक्षा रे एडमिशन नहीं पारुना आज भी तांकर रमादेवी रे एडमिशन तारीख थिला किंतु कॉलेज कर्तृपक्ष मना करिदेले कारण स्मितालींकर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हजि जाइछि सेतिपई 3 वर्ष हेलाणी से युक्त दुई रे एडमिशन नहीं पारुना आउ आमे कहुछु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर गोटे वर्ष पाखापाखि मत खाली एटिक जा से टिक डीओ ऑफिस जा के कोडी हेल्प करुना दी सर मैं कौन करी मत से रही कहंदु। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हजि जिबा परे स्मिताली को बापा मा चारियाडे बुली बुली कौन हेले एडमिशन होई परिबो से कथा पचारी बुझु छंती। खोर्धा जिलार शिक्षा अधिकारी तांको कहि छंती एभली डुप्लिकेट सर्टिफिकेट देबार नियम नाही जेउ देशरे आउ राज्यरे डुप्लिकेट सर्टिफिकेट इश्यू करिवार नियम नाही सेठी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा देवार अधिकार भी रहिबा कथा नहि। मो सान भौणी ठू आरंभ करके समस्त एडमिशन गल मो सांग माने भी बहुत ऊपर को गले मो एपर्यंत भी पढ़ी पारनी सर मैं कौन करी मत से कहतु। स्मिताली प्रश्न करुछंती से कौन पाठ पढ़ी पारे वर्तमान बड़ प्रश्न हो प्रश्नर उत्तर अंततः गणशिक्षा विभाग देवा उचित। भुवनेश्वर सत्यजित सेनों रिपोर्ट कनेक्ट न्यूज। दुर्गा पूजा रे कोरोना संक्रमण भय भिड़ हेले संक्रमण भय थिवारु एक्शन मोड रे कमिश्नरेट पुलिस तदेपाई भुवनेश्वर अमानिया को धरी फाइन कसुची पुलिस एथसहित कोविड नियम उल्लंघन अभियोग रे बार कोचिंग सेंटर और शॉपिंग मॉल को सील करिछि पुलिस। पुलिस कब्जा रे थिबा ए अपराधी मानक दोष होला से माने बस मालिक ड्राइवर एवं हेल्पर कोठारु दादाबटी आदाय करथुले चांदा आदाय करथुले एमती किसी असामाजिक युवक को बरमुंडा बस स्टाण्रु गिरफ्त कर खंडगिरी पुलिस। पार्वण समय कौन प्रकार चांदा आदाय पर कटका लगे कमिशनरेट पुलिस धरा पड़े दृढ़ कार्यानुष्ठानी पुलिस। आम जानवाक पाइल कि लोक एक्सटर्सन शिकार होती जो मैंने कि विभिन्न कारण जो थाना को आसी पार्ना तेनाली एक्सटर्सन एगेस्ट गोटे कमिशनरेट पुलिस तरफ ड्राइव चलती लास्ट तीन चार दिन भितरे भुवनेश्वर यूपीडी रे पाखापाखि 12-13 जन आरेस्ट होती आम जनसाधारण को आहरी अनुरोध करें आमको सूचना दिंतु कम्प्लेन करूँ आम निश्चय एक्शन नबु। अंपक्ष कमिशनरेट पुलिस एपरि अभियान को स्वागत करिछि पूजा कमिटी रसीद्रे मनोइच्छा टंकार परिमाण लेखि जोर जबरदस्त टंका आदाय करथुवा लोकों विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान दरकार पूजा कमिटी। जो मैंने एमती चंदा आदाय कर जोर जबरदस्त करके ये कर पूजा ना विभिन्न अलग संस्था ना कि बिल्डर मान कौन मैंने कंट्राक्टर मान से निंदनीय तापर कमिशन जहाँ करा भल कर पदक्षेपटा जी ठीक से चले तो मुझे आम ओडा पूरा नीट एंड क्लीन रही ना चंदार अन्न नाम बटी नुह चंदाटा जी स्वेच्छा दिए से चंदा कह जाए जहाँ को जबरदस्ती मगा जाए कह जाए बटी ये आम जहाँ भावु आमर जी आज पर्यत 55 आमर 55 मसीह पूजा ये जी तार स्वेच्छा पैसा आसिक डोनेट दिखती आउ कहीं क्या आम आज पर्यत क्या जबरदस्ती करा जाए ना। दादाबटी और चंदा आदाय को नहीं कमिशनरेट पुलिस कठोर होगापर यार प्रथम शिकार होता गैंगस्टर राजा आचार्य राजा को मिसाई 12-13 जन को पुलिस एवं सुधा गिरफ्त कर विशेषकर पार्वण समय पुलिस यह बेस गुरुतर सह ने भुवनेश्वर डीसीपी। भुवनेश्वर सौभाग्य परिडा रिपोर्ट कनक न्यूज़।